एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों के पूरे दिन की रूटीन शेयर, के वो क्या खाते पीते हैं, क्या उनका डाइट प्लान है और किस टाइम पर वो सोते हैं। सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो की ना आप सबकी मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। बस आप लोगों से यही मुझे गिला रहता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाती हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। हाँ, वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी था सुबह का टाइम और मैं अंदर आई हुई थी दोनों बच्चों को उठाने। अच्छा, ये दोनों एक ही साथ उठते हैं और बड़ा जो है ना, उसको अब डायपर मैं नहीं लगाती हूँ, तो वो उठते ही ना खुद से ही वो वॉशरूम ही चला जाता है। उसको करनी होती है पहले ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही वो रूम से आता है तो उसने डायरेक्ट अपने वॉशरूम जाना होता है, तो बस मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, फिर वो आराम से बैठ के शी पुपू कर लेता है और उसके बाद जो है ना बस मुझे बुलाता है, तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं बना लेती हूँ यहाँ पर दोनों के फीडर और दूध दे देती हूँ इन दोनों को। और मेरे दोनों बच्चे ही फ्रेश मिल्क पीते हैं और स्टार्टिंग में तो दोनों ही फार्मूला पीते थे, लेकिन इन्होंने फार्मूला खुद ही मेरे दोनों बच्चों ने टाइम से काफ़ी मतलब पहले ही इन्होंने छोड़ दिया था, हमने इनको छुड़वाया नहीं था, खुद ही ये नहीं पीते थे, तो फिर हम इनको फ्रेश मिल्क पर लेकर आ गए थे। और यहाँ पर छोटे को भी मैंने फीडर दे दिया है और छोटे को ये होता है कि उसको फीडर दे देती हूँ और उसके साथ ना फिर इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इसका पैम्पर जो है वो लीक हो चुका है और इसको मैंने रात को 3 बजे पैम्पर पैंट्स का जो डायपर है ना वो मैंने इसको लगाया था और अभी ये लीक हो गया था। और इसलिए मैं कहती हूँ कि पैम्पर से बेहतर है कि मुझे हगिस के ही अच्छे लगते हैं डायपर, वो लॉन्ग जो है ना चलते हैं जल्दी, लीकेज भी नहीं होती है उसकी। अगर वो फुल भी हो जाए ना तो लीक नहीं करता है। और जहाँ पर जी फिर उसने जो है दूध नहीं पिया था, उसको भी पता लग गया था कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। फिर जी मैं इसको बाथरूम लेके आ गई थी और अभी जो है ना इसको मैंने ब्रश कराया है, इसका हाथ मुँह धो के, और इसको जो है ना मैं रेडी कर दूंगी। और ये दोनों बच्चों की सेम ही रूटीन होती है, जब ये दूध पी लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर इनको ब्रश कराती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और इनके जो है ना फिर कपड़े चेंज करवाती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग दूध ना पिए ना फिर कुछ भी नहीं करने देते हैं। जाहिर सी बात है अभी छोटे हैं तो इनको उठने के बाद फौरन से ही दोनों को दूध चाहिए होता है, लेकिन आज छोटे ने दूध नहीं पिया था क्योंकि उसका पैम्पर जो है लीक था, तो बस वो कह रहा था कि मेरा चेंज करे। फिर जो है उसको मैं फौरन बाथरूम लेके आ गई थी। जब तक जी मैंने इसका हाथ मुंह धोया है और इसको ब्रश करा के आई हूँ, और उतनी देर में मेरे बेटे ने पता नहीं कितने कपड़े निकाल के बाहर रखे हुए थे बड़े ने, और भाई को जो है ये वाले कपड़े पहनाए। बस जी यहाँ पर इसको मैं लगा दूंगी पैम्पर। और सबसे बड़ा काम जो होता है ना हम माओं का यही होता है, बच्चे का पैम्पर चेंज करना, और शुक्र है कि मेरे लिए अब इजी हो गया है, वरना तो सारा दिन मैं दोनों बच्चों के पैम्पर चेंज ही करती रहती थी। और अब ये है कि सिर्फ छोटे का करना होता है, बड़ा तो खुद ही वॉशरूम में जाकर शी कर लेता है, पुप्पू कर लेता है, तो उसकी वजह से उस तरफ से मैं टेंशन फ्री हूँ। बस सुबह उठ करना मुझे पहले छोटे को ही रेडी करना होता है, इसका जब मैं एक बार पैम्पर चेंज कर देती हूँ ना तो फिर ऐसे कह ले कि आधा काम जो है ना वो मेरा हो ही जाता है। तो बस अच्छे से मैंने इसकी स्किन को मॉइस्चराइज किया था ऑयल के साथ। और आप लोग भी जब भी बच्चे को सुबह में जब डायपर लगाए ना, तो अच्छे से एक बार दिन में स्किन को बच्चे की अच्छे से ऑयल लगा के मॉइस्चराइज कर दिया करें, और उसके बाद जो है ना फिर आपको पूरा दिन क्रीम की, लोशन की या रैशेस क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही बच्चे को रैशेस होते हैं। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने दोनों बच्चों की यही रूटीन रखी हुई थी कि उनको मैं हर वक्त क्रीम नहीं लगाती हूँ बिला वजह, जब उनको रैशेस नहीं हों और होते भी नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैं उनको जब भी डायपर लगाती हूँ ना सुबह में या एक बार रात में अच्छे से उनकी स्किन पर ऑयल लगा के मॉइस्चराइज कर देती हूँ, तो इसलिए उनको रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहाँ पर डायपर जो है ना मैंने इसको लगा लिया था और उसके बाद जी फेस को मैं लगा रही थी पाउडर। और ये वाला स्टेप ना मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है, और कभी मैं स्किप भी कर दूँ ना इनको पाउडर लगाना, भूल भी जाऊँ ना, तो बस इशारे करते रहते हैं कि ये मम्मा ने आज नहीं लगाया। बस जी इसको मैंने रेडी कर दिया था, अभी इसके फेस पर क्रीम लगा दूंगी। और फेस पर मैं इसको लगा रही हूँ बेबी जॉनसन क्रीम, और इस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। बस ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि अपने बच्चों के लिए कौन कौन सी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो वो भी सारी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी। बस इसने दूध जो नहीं पिया था ना, इसको मैंने अब इसका दूध दे दिया है क्योंकि अब ये रेडी हो गया है। और 9:30 और 10 के बीच ये होता है कि मेरे दोनों बच्चे दूध पीकर चेंज करवाकर रेडी हो जाते हैं,
और उसके बाद जो है ना आधे घंटे बाद फिर मैं इनको दे देती हूँ फ्रूट। और फ्रूट में क्या होता है कि ये होता है इनका नाश्ता। अब नाश्ते में फ्रूट देती हूँ, कभी एप्पल दे दिया, मैंगो दे दिया, ग्रेप्स दे दिया, जो भी फ्रूट होते हैं ना घर पे, तो दो फ्रूट मैं इनको दे देती हूँ कि एक का दिल ना भी हो एप्पल खाने का तो मैंगो खा ले, या कुछ भी फ्रूट इनको मैंने मस्ट सुबह में देना होता है। अभी जी मैं इनको दे दूंगी फ्रूट, और फ्रूट खाने के 15-20 मिनट बाद ना मैं फिर इनको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी। फिर ये दोनों बच्चे जो है ना पानी पीते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा खेल कूद लेते हैं। आधे घंटे के बाद फिर मैं इनको दे देती हूँ बॉयल एग, दोनों को एक एक बॉयल एग देती हूँ। लेकिन ये जर्दी बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैं जर्दी के छोटे छोटे पीसेस करके ना फिर इनको दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत तो कुछ खा ही लेते हैं जर्दी। उसके बाद जी फिर आधे घंटे का इनको ब्रेक मिलता है, और उसके बाद फिर हो जाता है इनका लंच का टाइम। और लंच में फिर वही लंच इनको मैं करवाती हूँ जो घर में बना होता है, कोई अलग से मैं अपने बच्चों के लिए लंच या ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। इनको मैंने कभी ये आदत नहीं डाली है, जो घर में बना होता है वही हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, वही हमारे साथ ये लोग खाते हैं। और बड़े बेटे के लिए मैंने अलग से सालन डाल दिया था, और उसके लिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई थी, क्योंकि पहले उसको जो है ना मैं हाफ रोटी करके देती थी, एक रोटी बनाती थी तो दोनों भाइयों को हाफ हाफ दे देती थी। लेकिन अब ये है कि बड़ा जो है वो रोता है कि मेरी रोटी टूट गई है, मुझे फुल रोटी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं उसकी अलग से छोटी रोटी बना देती हूँ। और जो बड़ा है ना वो अलग से खुद ही खाता है, और जो छोटा है ना उसको मैंने खुद ही साथ बैठ के खिलाना होता है। छोटा ये है कि अपने मुंह में सर में हर जगह फिर सालन लगा लेता है, इसलिए मैं उसके साथ बैठ कर ना उसको सालन के साथ फिर रोटी खिलाती हूँ, आराम से बैठ के खा लेता है। और लंच के बाद जी फिर मैं इनको दे देती हूँ कुकुम्बर, क्योंकि रोटी के साथ मैं इनको कुकुम्बर नहीं देती हूँ। फिर ये होता है कि ये लंच ठीक से नहीं करते हैं और फिर कुकुम्बर के खेल लगे रहते हैं, और कुकुम्बर मेरे दोनों बच्चों को ही पसंद है। सैलड बना होता है तो सैलड दे देती हूँ, नहीं तो उनको सिर्फ मैं कुकुम्बर कट करके दे देती हूँ। उसके बाद जी फिर इनका हाथ मुंह धोना होता है, आधा घंटा पौना घंटा ये लोग खेल लेते हैं। और उसके बाद फिर इनका 2 बजे हो जाता है सोने का टाइम, और जहाँ पर 2 बज गए थे मैंने इनका फीडर जो है रेडी कर लिया था, अभी जी इनको देंगे सुला। और फिर ये और ये इनका 2 घंटे का नैप होता है, 2 बजे सोते हैं और फिर 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे जब ये लोग उठते हैं फिर 5 बजे इनका टाइम होता है बाहर जाने का, छोटा तो नहीं जाता बड़ा जाता है पापा के साथ बाहर, और फिर बाहर से ना वो चीज़ पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आता है, तो वो इनका हो जाता है स्नैक्स टाइम, और वो खा पी लेते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर 6 बजे मैं इनकी तैयारी कर लेती हूँ डिनर की। 6 बजे से जो है ना मैं इनको खाना पिलाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो बड़ा है ना वो खाने पीने में बहुत चोरी करता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खिलाते खिलाते फिर जो है ना उसका क्या लेके डिनर डन हो जाता है। और डिनर में इनको फिर मैं दे रही हूँ चिकन, और ये चिकन मैंने दोपहर में ही बना के एयर फ्राई में रख दिया था। और एक टाइम पर इनको रोटी दे देते हैं, और एक टाइम पर जो है ना फिर ये रात में डिनर में चिकन और राइस इनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं चिकन जो है ना पीसेस करके वो दे दूंगी, और ऊपर इनको लगा के देती हूँ केचप, और दोनों ही जो है ना अभी चिकन खाएंगे। चिकन के बाद फिर होता है कि अगर ना खाएं तो फिर मैं इनको राइस खिला देती हूँ, अगर ठीक से ये लोग चिकन खा लें तो फिर इनको राइस नहीं खिलाती हूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ में लंच में और डिनर में मैं 2 ऑप्शन रखती हूँ, अगर एक चीज़ नहीं खाते हैं तो फिर दूसरी इनको मैं दे सकूँ ताकि इनका पेट अच्छे से भर जाए। तो बस यहाँ पर इन छोटे छोटे जो है ना मैंने पीसेस कर लिए थे चिकन के, और ऊपर केचप लगा के ना दोनों को दे दूंगी। और माशाल्लाह जी यहाँ पर इनको मैंने दे दिया था दोनों को एक साथ, और फाइट भी कर रहे थे खा भी। अच्छा जी यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि इस व्लॉग को ना मुझे 2 बार शूट करना पड़ा है। पहले इस व्लॉग को मैंने पूरा ही शूट किया था, फुल डे अपने बच्चों की रूटीन जो है वो शूट की थी, और फिर हुआ ये कि बच्चों ने या पता नहीं मेरे हाथ से कुछ क्लिप जो है ना वो हो गए थे डिलीट, और जो स्टार्टिंग के क्लिप्स थे ना फिर वो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़े थे, और जो पहले वाले पड़े थे ना फिर मैंने बाकी वही आप लोगों के साथ शेयर करके तो इस व्लॉग को जो है कंप्लीट कर दिया था। इसलिए आप लोगों को मेरे कपड़े भी चेंज नजर आएंगे और बच्चों के भी चेंज नजर आएंगे, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना आधा डिलीट हो गया था और फिर आधा जो है ना मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा था स्टार्टिंग का। और यहाँ पर जी फिर इन्होंने चिकन जो है ना दोनों ने माशाल्लाह फिनिश कर लिया था, और उसके बाद जी फिर ये दोनों आ गए थे हाथ धोने के लिए बाथरूम, और बाथरूम में आकर भी दोनों की फाइट हो रही होती है। अभी छोटे छोटे हैं, मुझे इतना कभी कभी हंसी आती है कि अभी छोटे छोटे हैं, अभी से इनको पता है फाइट करने का कि पहले मैंने हाथ धोने हैं, पहले मैंने वॉशरूम जाना है, तो इसी बात पर ना ये दोनों भाई बहुत लड़ते हैं। और उसके बाद जी फिर शाहजन मुझे कह रहा था कि मुझे खाने हैं नगेट्स। अच्छा चिकन भी इन्होंने माशाल्लाह ठीक से खा लिया था, और नगेट्स जो है ना इनको हर वक्त मैं नहीं देती हूँ, बस ये भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास रखे होते हैं, जब मेरा बेटा मांग लेता है ना तो फिर उसको मैं दे देती हूँ, अदरवाइज उनको यही होता है हमारा कि घर का ही खाना दे। और जी यहाँ पर फिर मैं इनको दे रही थी पानी, और नगेट्स भी बनने के लिए रख दिए थे,
और जब तक ये लोग पानी पियेंगे और कुछ खेल मस्ती कर लेंगे, और उनके उसके बाद जो है ना फिर इनको मैं नगेट्स दे दूंगी, क्योंकि हर चीज़ मैं इनको एक के बाद एक नहीं देती हूँ, आधा घंटा पौने घंटे का इनको गैप दे के ना, और उसके बाद फिर मैं इनको नेक्स्ट मील जो भी चीज़ देनी होती है तो फिर वो दे देती हूँ। अब इसी मैं इनको दे दूंगी नगेट्स, और नगेट्स जो है ना मैं इनको कट करके ऊपर कैचअप लगा के देती हूँ, क्योंकि अलग इनको मैं कैचअप अलग से रख के दूँ ना, फिर ये होता है कि कैचअप खा लेते हैं और जो चीज़ इन्होंने खानी होती है ना वो फिर प्लेट में ही रह जाती है। तो लेकिन ये फिर भी बहुत होशियार हैं, पहले ऊपर से कैचअप खाते हैं और फिर बाद में इन्होंने नगेट्स खाने होते हैं। और बस अभी ये लोग अपने इसको नगेट्स फिनिश करेंगे, और उसके बाद इसके बाद फिर इनको कुछ भी नहीं मिलता खाने पीने के लिए, यहाँ पर इनकी ये लास्ट मील होती है और खाना इनका डन हो जाता है। उसके बाद फिर 8:30 बजे मैं इनको दे देती हूँ फीडर एक एक, और 8:30 बजे ये लोग दूध पीते हैं, और उसके बाद फिर कुछ भी इनको खाने पीने को नहीं मिलता है, क्योंकि 8:30 बजे ये लोग फीडर पी लेते हैं और उसके बाद फिर खेलते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, और फिर 10 बजे जो है ना इनका सोने का टाइम होता है, और 10 बजे फिर मैंने इनको देना होता है सोने के टाइम बनाना मिल्क शेक या फिर मैंगो मिल्क शेक। उस टाइम पर ये सादा मिल्क नहीं लेते हैं, सोते हुए इनको बनाना मिल्क शेक या फिर मैंगो मिल्क शेक देना होता है। और अभी ये लोग अपना दूध पियेंगे और फिर मैं भी इनके साथ, इस टाइम पर मेरे भी काम खत्म हो जाते हैं, थोड़ी देर मैं इनको कंपनी देती हूँ, खेलती हूँ। और यहाँ पर जी ये मेरे बेटे ने बनवाया हुआ था हाउस, और डेली इसका काम होता है, ब्लैंकेट लेके आता है टेबल पर डाल के ना, तो ये इनका हाउस बना होता है। ये है जी मेरे बच्चों की फुल डे की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।